नमस्ते। आज मैं आप लोगों को 3D में एक स्टेज का डिजाइन बनाने जा रहा हूँ। स्टेज जो है वो एक हितकारी कंपनी है, उसकी 25th फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन होना है उसका। वो इम्पीरियल होटल, जो कि दिल्ली का जाना माना होटल है, उसके इस वाले ग्राउंड के अंदर होना है। इस ग्राउंड का साइज अभी तक मैंने निकाला नहीं है, और ये जो आपको एरिया ये पूरा का पूरा दिख रहा है, ये पूरा एरिया, ये इसकी एक एरिया का पिक्चर है, ये दूसरा इसका जो जिस जगह से वो पिछली पिक्चर हम देख रहे थे, इस साइड से ये दिखता है ऐसा, और ये है इसका ग्राउंड जो कि ऐसा दिख रहा है। अब इस ग्राउंड में इस जगह पे एक स्टेज बनाना है हमको इस जगह पे, और दूसरा स्टेज इस जगह पे बनाना है, और ये जो आपको दिख रहा है ये पत्थर वाला एरिया है, इस जगह पे हमारा बूफे का सेटअप लगेगा। और इसका जो दूसरे एरिया का पिक्चर है वो मेरे पास इस वाले में तो नहीं दिख रहा है, ये इसकी एंट्री पॉइंट है, जो कि ये गेट की तरफ से यहाँ से हम लोग प्रवेश करेंगे, और प्रवेश करके ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, ये वाला, इस पेड़ के राइट से रास्ता अंदर की तरफ चला जाता है। तो इसको बनाने के लिए 3D में सबसे जो बेहतरीन सॉफ्टवेयर है आर्किटेक्ट जो यूज करते हैं वो होता है स्केचअप। इसके बाद है ऑटोकैड भी है, सिनेमा 4D भी है, बहुत तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं ऑलरेडी मार्केट में, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कैसे, ब्लेंडर में भी आप बना सकते हैं। ये है वो इम्पीरियल होटल ये वाला, और इनका ये ग्राउंड कंपनी ने लिया है, जिसका वो चार्ज देंगे जितना भी देना होगा, और इस ग्राउंड के अंदर आने वाले 20 तारीख को वो फंक्शन है। तो ये सारे को देखते हुए हमारे पास स्टेज के ऑप्शन, सेल्फी पॉइंट के ऑप्शन सब कुछ आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला आप जो देख रहे हैं ये है, जैसे 25th फाउंडेशन डे है, तो ये जो 5 जिस तरह से आपको दिख रहा है 3D में निकला हुआ, और ये पीछे के आर्चेज, और ये सारा चीज डिजाइन करना है, और ये सब हम लोग वन बाय वन करके धीरे धीरे जानेंगे। ये इनका सेल्फी पॉइंट है, तो ये जिस तरह का टिपिकल और कॉम्प्लेक्स टाइप का ये डिजाइन आपको दिख रहा है, लेकिन इतना ये कॉम्प्लेक्स होता नहीं है। जब आपको बनाना शुरू करेंगे तो आप सब कुछ ये बना पाएंगे, और एक एक चीज़ का साइज जानना हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्राउंड की साइज निकालने के लिए। तो ग्राउंड का साइज कैसे निकलेगा, तो उसके लिए सबसे इजी है ये, देखिए अगर आप ये देख रहे हैं तो ये मैंने, ये सेम वेन्यू मैंने क्रिएट किया है पहले, क्योंकि अगर पहले से ना क्रिएट करूं मैं तो इसको बताने में कई कई घंटे लगे। आज के टाइम में आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग इतने देर बैठ के और हर चीज़ को देख पाए आप। तो ये वाला देखिए, ये पूरा ये मॉडलिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ ये गार्डन एरिया और इस एरिया का पूरा सेटिंग प्लान ये सब कुछ बना के देना था। तो शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये वाला एरिया और ये बिल्डिंग विल्डिंग, तो ये थोड़ा मॉडल किया मैंने, यहाँ पे थोड़ा मॉडल किया, ये चेयर का मॉडल किया, राउंड टेबल और स्टेज, इन सब का मॉडल कर दिया मैंने। चलिए देखिए कि मैंने कैसे उन सबको किया है। तो सबसे पहले आते हैं लेआउट पे। तो लेआउट प्लान जब भी बनाने के लिए आपके दिमाग में आएगा कि आप लेआउट कैसे बनाते हैं, किसी किसी भी चीज़ का लेआउट आप कैसे बनाओगे, तो उसके लिए आपको एरिया चाहिए होता है। एरिया आप फिट में, सेंटीमीटर में, मीटर में, जिस भी चीज़ में आपको साइज पूरा का पूरा निकालना होता है। तो अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप कैसे वो साइज को आप निकाल पाए, तो उसके लिए सबसे इजी है कि आप अपना ब्राउजर ब्राउजर खोलें, और वहाँ पे आप जाके ब्राउजर के अंदर गेस्ट मोड में ही चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जाके आप गूगल में आप डालिए GOOGLE गूगल और MAP मैप। जब आप ये गूगल मैप डालेंगे तो ये गूगल मैप आपको सिर्फ रास्ता बताने के लिए नहीं होता है, ये जो है आपको बहुत तरह से हेल्प करता है। और इसके आपको मैं लाइव उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे ये मैं दिल्ली में अभी हूँ, मैं ऑलरेडी तो दिल्ली में ही है वो होटल जो मैंने आपको बताया, इम्पीरियल होटल। तो यहाँ जाके हम जैसे ही आपको IMPERIAL इम्पीरियल होटल जनपद आ चुका है, ये जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो एक बार मैंने ये साइट को विजिट भी कर लिया है, ये वाली साइट है।
तो जब आपको इस तरह से आप पहचान नहीं पा रहे हो कि एग्जैक्ट कहाँ से कहाँ तक और किस जगह से किस जगह तक है, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे जाके एक तो आप इसके इम्पीरियल होटल के रेफरेंस पिक्चर्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये पिक्चर दिख रहा था, आप एक बार इस पर क्लिक करिएगा तो ये इमेज आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। अब ये इमेज जब आपके सामने खुल गया तो इसके बाद इसको आप नेक्स्ट, ये अंदर का बेडरूम का सीन है, इसका आप स्क्रीनशॉट मार के पेंट के अंदर सेव करके रख सकते हैं। फिर ये उसके आगे का सीन है उनका, क्या बोलते हैं उसको, स्विमिंग पूल, और फिर और आगे करके देखिए अभी भी बेडरूम और ये इन सब का ये दिखा रहे हैं ये लोग, सारा अंदर का सेटअप दिखा रहे हैं। लॉन का तो है नहीं, लॉन अभी तक दिखा नहीं आपको कि इसका लॉन किस साइड है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहिए जब तक कि आप इसके एक्सटीरियर, अब देखिए ये मैंने जैसे बताया था आपको कि ये एंट्रेंस वाला एरिया था जो पहली पिक्चर में निकाल के रखा हुआ था, ये वो वाली जगह है। फिर ये इनका गैलरी है बाहर का, और एक बहुत ही लग्जरी और अच्छा, ये आप यहाँ देख सकते हैं 17,275 रुपये इसका मतलब प्राइस करेंट में चल रहा है कि आप अगर ठहरना चाहें इसके अंदर। ज़्यादातर बाहरी बाहर के लोग आते हैं और वो यहाँ ठहरते हैं, अपने देश के लोग तो आपको पता ही है कितने पैसा बचाने वाले होते हैं। चलिए तो ये मैंने आपको जल्दी जल्दी करके ये सारा चीज़ दिखा दिया, ये इनका एंट्रेंस है और ये पूरी बिल्डिंग इसी तरह से है, मतलब हर तरफ से ऐसा ही डिजाइन है इनका। तो इसका मॉडल करना ये डिजाइन बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अभी मॉडल करके भी मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने मॉडल किया इन सबको। ये जैसे जैसे ये है, पर सबसे पहले काम होता है रेफरेंस, मतलब आप रेफरेंस इकट्ठा कर लें जिससे कि आपको पूरा का पूरा, अब आपने इस पिक्चर से शुरू किया तो यहीं पे आके एंड हो गया, तो अब इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे हमको कुछ खास पिक्चर्स आपको मिली नहीं लोन की, जो हमको असल में वो ग्रीन एरिया की, तो उससे अच्छा है कि आप वहाँ विजिट भी मार सकते हैं। ऐसे अब मैं यहाँ से सैटेलाइट व्यू जो आ रहा है, सैटेलाइट व्यू करूँगा। सैटेलाइट व्यू करने के बाद हम जाएंगे, जूम करेंगे यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे कि ये जनपथ रोड है, ये जनपथ मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ से निकलते ही यहाँ राइट में जब आते हैं तो यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप और ये दोनों के बीच से ही ये होटल के अंदर जाने का रास्ता है, ये यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ से अंदर आते हैं, ये वाला वो लॉबी एरिया जिसकी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा था, यहाँ पे इस जगह से आए और ये लॉबी के अंदर प्रवेश किया, और ये अंदर से ही आप पूरे में घूम के और ये बाहर की तरफ इस वाले एरिया में आ सकते हैं। लेकिन मेरा काम क्या है कि अभी मुझे इस वाले ग्राउंड की एक साइज चाहिए जिससे कि मैं इस चीज़ को बना पाऊँ। तो जब मेरा पहली बार मैं यहाँ पे गया तो सबसे इजी है कि आप इसका कोई एक दो पॉइंट सिलेक्ट करें, और यहाँ से आप ध्यान रखें हमेशा कि ये जो है आपका ये मैन ड्रैग करके, और आप यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है यहाँ बन रहा है, ये पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट बन रहा है, ये सब अलग, ये सारे वो पोजीशन होते हैं जहाँ पे ये आपका लैंड कर सकता है ये। तो आप इस रोड पे भी लैंड कर लो ऐसे, तो जब आप डिटेल में, जब अब ये रोड पे के ऊपर मैंने लैंड कर लिया है, और ये है आपका जनपथ का वो मेट्रो स्टेशन का वो एग्जिट पॉइंट जहाँ आप निकल के आए हैं, और ये जनपथ वाला रोड है। आपको वहाँ जाओगे तो ये सराउंडिंग भी बनाना पड़ता है 3D में, जो है आप सराउंडिंग पे भी आप फोकस करोगे तभी कुछ काम बनेगा, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि द एम्पीरियल होटल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एकदम एक्यूरेट मैं सेम ठीक जगह पे वहीं पहुँच चुका हूँ, और ये गूगल मैप का बहुत अच्छा फीचर है जिससे कि आप पूरा स्ट्रीट व्यू में जाके बाहर के, अब आप मान लो कि सीधा होटल को बना देते हो तो वो कोई काम करें, अगर लेकिन अगर आप यहाँ पे, अगर इसमें कुछ भी नहीं बनाना होता, ये प्लेन सा एक सर्फेस बनाना है सेंटर में, ये इस तरह का आपको स्ट्रीट का थोड़ा सा पाथवे बनाना है, ये भी आसान होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे आप एम्पीरियल देख रहे हैं, द एम्पीरियल, और इसकी एंट्री पॉइंट ये है। तो आप जब यहाँ पे आ गए तो ये एंट्री पॉइंट है, तो आप जब शुरुआत करेंगे कैमरा एनिमेशन का तो इस कार का आप देख लो कि ये एंट्री पॉइंट है, ऐसे करके यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं और वो सामने वाला एरिया है। और यहाँ के आसपास की ट्रीज पे नज़र डालिए कि कैसे यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, क्या है, इन सब की स्क्रीन शॉट मार मार के आप रख लीजिए, तो ये रेफरेंस में आपको काम आता है और ये आपके लिए अच्छा रहेगा फ्यूचर में, जिससे आपके डिटेल को देख के लोग मतलब आपकी सराहना करेंगे बहुत ही ज़्यादा। और ये आप देखिए नॉर्थ है, और इसको मैंने यहाँ से क्लोज किया, यानी कि ये पाथवे जो है नॉर्थ दिशा की तरफ जा रहा है, और आपका आपको क्लियर पता है कि इस लॉन के अंदर काम होना है,
तो आप जब जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा कि ये वाला रास्ता जा रहा है और एक यहाँ पे भी रास्ता है, ये रास्ता। तो आप मान लो कि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं और यहाँ पे हैं, तो ये वाला एरिया तो अनयूजेबल है। फिर भी अब हम लोग मान के चलते कि इस पॉइंट से जब राइट क्लिक करिएगा इस जगह पे, तो यहाँ पे दिखाएगा मेजर डिस्टेंस। तो मेजर डिस्टेंस पे जाके यहाँ से, और फिर ये देखिए ऐसा राउंड सा कुछ बना हुआ, यानी कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के एरिया को ऐसे करके स्ट्रेट में आप इसको नाप सकते हैं। तो आपको ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर मेंशन आ रहा है कि 85 मीटर, इट्स 85 मीटर, 85 मीटर यानी कि 280 फिट। तो अगर हम 280 फिट ना मान के हम मान लेते कि ये पेड़ वाला एरिया है, इसके आगे का होगा, तो ये 250 फिट तो आपका है ही, 250 फिट कहीं नहीं गया। अब 250 फिट का ये मान लो, अब 250 फिट हो गया लंबाई, और इसकी चौड़ाई भी माप लेते हैं हम, चौड़ाई कैसे, और ये वाला जो एरिया है इस पॉइंट से, ये भी आप माप लो कि यहाँ से कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका 104 फिट है, ये 104 फिट। तो जैसा कि हम लोग का डिस्कशन हुआ था, यहाँ पे बुफे एरिया बनाएंगे हम लोग, इस जगह पे बुफे एरिया बनेगा और इस जगह स्टेज बनेगा और ये सारा वो होगा सेटअप। तो उसके हिसाब से ये मैंने कर रखा है। और इस साइड अगर हम इसको नापते हैं, तो ये ट्रीज का ऊपर का फैला हुआ हिस्सा है, तो यानी कि जड़ तक अगर हम देखें तो ये 80 फिट के अराउंड बैठ रहा है। तो अब मान के चलो कि ये वाला एरिया जो है हमारा बैठ रहा है कितना, 250 × 80। तो ये आप ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखिए 250 के अराउंड यहाँ आया, इसको हम वहाँ अंदर अंदर की तरफ यहाँ ले गए, 80 के आसपास यहाँ, और ये यहाँ और यहाँ, तो ये करीब करीब ये बैठ रहा है 17,000 से 18,000 स्क्वायर फीट एरिया। चलिए अब हम इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं, और एक बार यहाँ अंदर का भी अगर एरिया हम देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। देखिए तो ये बिल्डिंग के अंदर लेके चला गया, तो ये हमारे कोई काम का है नहीं, बिल्डिंग के अंदर से हम नहीं देखना चाहते। हम लोग इस लॉन के अंदर उतर के देखना चाहते थे कि इसके अंदर, लॉन के अंदर कोई वीडियो बनी होता है। ये वो वाली एरिया है जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था। चलिए शुरू करते हैं। ये वाला आप देख पा रहे हो कि ये अंदर से काफ़ी खूबसूरत है, और इस बाहर वाले एरिया में हमारा काम होने वाला है। ठीक है, इसको बंद करते हैं, काफ़ी टाइम वैसे ही ले लिया मैंने, इसको भी बंद कर देते हैं। और अब आप ये देखिए, अब आपको समझ में आ रहा हो कि ये वाला जो एरिया मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ये चीज़ ये एरिया के पास से हम अभी अभी देख रहे थे, और इसके अंदर ही सेटअप देना। तो ये कैसे किया मैंने, उसके लिए ये हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम उसको लेआउट बनाएं। तो अगर इस जगह पे आप देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारी फाइलें हैं, तो थोड़ा सा जैसे यहाँ 25th फाउंडेशन डे, इस पे जब मैं राइट क्लिक करता हूँ और इस फाइल को ओपन करता हूँ, तो ये गूगल के अंदर खोल के हम लोग इसको देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट पीडीएफ में भी हम लोग ओपन कर सकते हैं। यू आर ब्राउजिंग एज ए गेस्ट, तो क्या मतलब है यार, खोलो ना तुम। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि यह सेम ग्राउंड का मैंने एक प्लान बनाया हुआ है। ये एंट्री पॉइंट, ये बाहर वाली रोड थी, ये यहाँ से एंटर हो गए, एंटर होने के बाद यहाँ से अंदर गए, ये हमारे टेबल सेटअप है, और ये वी आई पी का लाउंज वगैरह सारी बने हुए हैं। लेकिन ये प्लान कैंसिल है, ये वाले प्लान पे हमको काम नहीं करना है, प्लान वहाँ का चेंज हो चुका है। तो जो प्लान पे काम हुआ है वो वाला चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और सबसे पहले हम बनाते हैं उसका 2D लेआउट। तो मान लीजिए कि कोई भी आप जैसे वेक्टर वर्क करने वाला सॉफ्टवेयर ले लो, आप जैसे कि मान लो इलस्ट्रेटर है, तो इलस्ट्रेटर हमने ओपन किया और हमारा इलस्ट्रेटर ओपन हो रहा है। अब सबसे पहले आता है स्केल, उसके लिए हम ये देखिए कैड सॉफ्टवेयर भी मेरे पास है, ब्लेंडर भी है, 3D का भी सॉफ्टवेयर है, बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स हैं मेरे पास, और आप आपके आप पे डिपेंड करता है कि उसमें किस पे आप काम करना चाहते हैं, किस पे आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आप फाइल में हमेशा जाके यहाँ से न्यू क्लिक किया कीजिए, और न्यू क्लिक करने के बाद अपने हिसाब से यहाँ पे आप फिट में काम करोगे, इंचेज में काम करोगे, एमएम में काम करोगे, तो वो सब डिपेंड करता है। तो मेरे लिए 1 फिट 1 mm के बराबर होता है, ये वाला मेरा रेशियो होता है, इस पर मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए वृत्त मिलीमीटर में यहाँ पे ले लिया मैंने, और हमारे जो ग्राउंड की हमने चौड़ाई ली थी वो कितने ली थी आपको याद है ना, 250 फिट, और जो वो उसकी क्या बोलते हैं लंबाई थी 250 फिट थी, और 80 फिट उसकी चौड़ाई थी, 80 फिट ऐसे करके। और CMYK के कलर है, यहाँ पे आप RGB भी रख सकते हैं, इसका रेजोल्यूशन अगर प्रिंट के लिए है तो इतना रख सकते हैं, और इसको क्रिएट करिए प्लीज़।
A3 पेज आपके सामने स्क्रीन के ऊपर बन के आएगा, लेकिन साइज मैंने उसका निर्धारित किया है खुद से। तो ये हमारे पास आ चुका है, मेरा ये ब्लैंक पेज है। अब आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो, ये जो है हमारा सिलेक्शन टूल है, तो ये रेक्टेंगल टूल है, यहाँ से रेक्टेंगल लेके ये मैंने इसको एक ग्राउंड बना दिया। ग्राउंड में कोई कलर चाहिए होता है, ग्राउंड अक्सर ग्रीन कलर का होगा, तो यहाँ से हम कलर पिकर आईड्रॉपर जो भी कहिए इसको ये ले लेते हैं, और यहाँ से जाके हम अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं जो कि देखने में थोड़ा इंसान को अच्छा सा लगे। अब मुझे तो ये लग रहा है येलो, येलो मुझे लाइट येलो पसंद है, ऑफ वाइट टाइप का जो कलर होता है ऐसा ले लिया मैंने। ये जो साइड का हिस्सा होता है ये स्ट्रोक कहलाता है, स्ट्रोक। अभी मैं आपको इलस्ट्रेटर की ट्रेनिंग तो दे नहीं रहा हूँ, आइडिया सिर्फ देने के लिए होता है। अब आती है बारी स्टेज की, तो स्टेज जो बनाना है, स्टेज का हमको आइडिया है। देखिए स्टेज जो होता है ना, वो प्लाई बोर्ड जो बनता है उसके हिसाब से डिसाइड हो जाता है। प्लाई बोर्ड क्या है, प्लाई बोर्ड जनरली 8x4 की आती है, आपको पता है। तो 8 के अगर उस हिसाब से आप लगाते चले जाओगे तो 8x8 16 हो गए। तो मान लो कि हम यहाँ पे एक 8 mm x 4 mm का ये मैंने एक ये वो ले लिया, क्या लिया, प्लाई बोर्ड, और इसका कलर मैंने कर दिया मान लीजिए रेड। और इसको जो है यहाँ से उठा के यहाँ ले आए और ये हमने यहाँ पे रख दिया। तो इसको अल्ट मतलब आप दबा के इसको कहीं भी ऐसे करके ऊपर नीचे कहीं भी ले जाके रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जहाँ भी आपको सूटेबल लगे। तो ये हमारा स्टेज है। तो अभी मैंने 8x4 का लिया था ये, और इसको जब इसको हम चाहें तो मैन्युअली इसको खींच के ऐसे करके 8x24 यानी 4x4 8x4 12 4 16 4 20 4 24, ठीक है ना। तो 8x3 24 होता है, तो डबल कर लीजिए आप उसको। तो ये हो गया हमारे 24, और ऐसे कर दीजिए इसको 16, यानी कि 16x, अभी अभी ये गलत दिखा रहा है, इसको मैं डिलीट मारता हूँ। मैन्युअली हम रेक्टेंगल लेके ऐसे और यहाँ क्लिक कर देते हैं, और इसमें हम यहाँ इसको 16x24 कर देते हैं। ये हमारा स्टेज बन गया। ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ना, ये इसको आप राउंड लुक देने के लिए ऐसे हम जिसे थोड़ा देखने में खूबसूरत सा लगता है तो ऐसा राउंड कर सकते हैं, और इसको ड्रैग करके आप ले जाके ऐसे करके रख दीजिए। ये क्या है, हमारा स्टेज है। अब स्टेज जो है 2 फीट का हाइट का भी हो सकता है, 3 फीट हाइट का भी हो सकता है, उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये स्टेज को मतलब अभी तो आपको जल्दी जल्दी मतलब समझिए दिखाना है, तो जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। 6x1 का ऐसे मैंने स्टेयर भी ले लिया, और इसको अल्ट दबा के जब माउस से स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम इन हो जाता है, और इसको आप ऐसे करके रख सकते हैं। और इसी की कॉपी बना लीजिए, अल्ट दबा के नीचे की तरफ खींचते जाइए, इसकी कॉपी बन बन के लग जाएगी। तो ये 3 स्टेप मैंने दिखा दिया स्टेज के ऊपर चले गया। अब इसके बाद जब भी स्टेज होता है तो उसके आगे इसकी हाइट, इस स्टेज की हाइट 4 फीट का है, तो कम से कम आपको 15 फीट इसके आगे आपको स्पेस देना पड़ेगा, 15 फीट का कम से कम। तो यहाँ क्लिक करिए और ऐसे करके इसको खींच के देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक हम लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ तक ले गए 11 10, ऐसे आप देख पा रहे हैं वहाँ पे नाप नाप दिखा रहे हैं वहाँ पे। तो 1 mm इज इक्वल टू 1 फीट फॉर मी। अब यहाँ पे हम इसको 15 फीट के आसपास ले जा रहे हैं, यहाँ पे 15 15 15 15 15 15 15, ये 14 आया और ये आ गया हमारा 15, ठीक है। ठीक है जी, 15 पे क्लिक कर दिया, और ये एरिया हमारा मतलब एक ये सिर्फ मार्किंग है अभी के लिए। इसको जब हम यहाँ से ये अभी कलर दिखा रहा है, इसको कलर हमको नहीं चाहिए इसको, तो ऐसे कर देंगे, ये मार्किंग हो गई हमारी। इसके बाद आते हैं हम राउंड टेबल। नेक्स्ट क्या आता है, राउंड टेबल। अब मान लीजिए कि हमको एक टेबल के ऊपर कुछ VIP लोग हैं, तो उस पर हमको 4 ही लोगों को बनाना है। तो यहाँ पे हम यहाँ से सबसे पहले एक एलिप्स टूल लेते हैं, इसको सर्कल भी बोल सकते हो आप, और इसको यहाँ पे 35 mm दिखा रहे हैं, लेकिन हमको कितने mm बचे, हमको चाहिए ये 5 mm, 5 mm यानी 5x5 mm।
5 बाई 5 mm। तो 5 बाई 5 mm क्यों, यानी कि 5 बाई 5 फिट का ये हमारा टेबल हो गया। अब इसका आउटलाइन जो है इतना, इसका मतलब इसको स्ट्रोक बोलते हैं, स्ट्रोक। तो स्ट्रोक भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो 1 PT है, तो इसको आप जो है यहाँ से 0.25 PT भी कर सकते हो। और इसके अंदर का कलर, अब आप मान लो हमने रेड पे उसका दिया है, तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कोई कलर इसे आ जाए, कोई भी कलर, ये आपकी मर्जी है, यहाँ से कोई भी कलर ले लो, ऐसे करके आपकी चॉइस है कौन सी कलर है, ग्रेडियंट में डाला है ग्रेडियंट में डाल लो, ऐसे करके आपने कर लिया। स्ट्रोक है तो इसको आप और मोटा या पतला कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये आपके हाथ में है, लेकिन मेरे हिसाब से ये अच्छा नहीं लगेगा, इसको बारीक ही रखिए। ये आ गया हमारा पास एक टेबल का शेप। ठीक, अब आते हैं हम इसके चेयर बनाने के लिए। वाले चेयर, चेयर का भी एक आप सर्कल भी ले सकते हो या एक रेक्टेंगल भी ले सकते हो, वो आपके डिपेंड करता है आप कितना खूबसूरत बना रहे हो। चेयर जो होता है जनरली इवेंट में वो होता है 1.5 फिट का, या और उसके आगे 1.75 का लेग स्पेस होता है। तो आप थोड़ा अगर अच्छे क्वालिटी का लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे 2 बाई 2 का चेयर डाल दो, 2 बाई 2 का चेयर। तो ये 2 बाई 2 का चेयर, लेकिन ये स्ट्रोक की वजह से काफ़ी मोटा दिख रहा है, तो इसको और पतला कर दो थोड़ा सा। 1.5 कर दिया मैंने, थोड़ा सा इसको राउंड कॉर्नर भी कर देते हैं ऐसे करके, देखिए ये वाला। और उसके स्ट्रोक को और पतला करना चाहिए मेरे हिसाब से, इसको सिलेक्ट करके 0.1 इंच मार दीजिए। अब ये हमारा चेयर हो गया। चेयर को इसको सेट कीजिए पीछे करके लाके ऐसे, और यहाँ की तरफ क्या करिए कि पीछे की तरफ एक और आपको ऐड करना चाहिए इस तरह से, जिससे कि थोड़ा इसका देखने में थोड़ा लगे कि हाँ आपने एक ढंग का चेयर बनाया। ये आया, और इसी की एक और कॉपी बनाई हमने सेंटर से रख के, और यहाँ से रोटेट भी आप कर सकते हैं। अरे रोटेट अल्ट दबा के करिएगा तो एकदम अच्छे से होगा। इसको कर दो आप इस साइड, और फिर इसको कर दो आप इस साइड, तो ये आपको आप एक कुर्सी का शेप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अभी तक क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगा। अब इन सब को सेलेक्ट करके आप इसका एक कलर, एक अलग कलर भर दीजिए यहाँ से, थोड़ा सा डार्क कलर कर दीजिए जो कि आपको चेयर वाला लुक दे दे। और इसको राइट क्लिक करके सबको सेलेक्ट करके ग्रुप कर दिया, और इसी की एक कॉपी हमने ऐसे करके ली नीचे की तरफ, वो अल्ट प्रेस करके रखिएगा तो एकदम एक्यूरेट ले जाएगा। और ये अब इसको रोटेट करना चाहिए हमको, यहाँ कॉर्नर पर ले जाके इसको 90 डिग्री पर आप रोटेट कर सकते ऐसे। अब आप देखिए 2 चेयर मैंने इस पे लगा दिया, ये इधर स्टेज है, स्टेज के फ्रंट पर। अब आप चाहते हो कि 4 चेयर का सेट बनाए, तो यहाँ से इनको सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए, और शिफ्ट अल्ट दबा के, और इसको ऐसे घुमा रहे हैं, देख रहे हैं ऐसे करके ये घूम रहा है, तो इसको आप कंट्रोल कॉपी पेस्ट, और इसको फिर से ले आइए इसके ऊपर, थोड़ा ऐसे बस, और इन सब को ग्रुप कर दिया आपस में, राइट क्लिक, ये आ गया आपका ग्रुप, ये आ गया हमारे पास चेयर। अब ये एक सेट तैयार हो गया, ये स्टेज, ये हमारा पहला हुआ। और हमको 200 लोगों की गैदरिंग का हिसाब लेके चलना है, तो फिर से अब इसकी कॉपी बनी, 1 में 4 है, यहाँ से ऊपर ले चलिए इसको इधर, ठीक, इसको सेंटर से मिला कर रखिए ऐसे, एक इधर एक इधर, ठीक। और नेक्स्ट आप इसको थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, हटाइए अभी के लिए तो काला ऐसे ही रहने देते हैं आपको आइडिया के लिए। 1, 2 और 3 तीनों सेलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ से गैप दीजिए। इसकी भी एक होती है यहाँ से कितना डिस्टेंस, जैसे कि ये टेबल के बाद एक इंसान 10 स्क्वायर फीट का एरिया लेता है मूवेबल स्पेस, तो आप यहाँ पर रखा मैंने, फिर यहाँ रखा, तो ये अलग तरीके से रखा जा रहा है। तो आपको कम से कम गैप जो है एक से ऐसे दूसरे जर में 7 से 8 फीट का देना ही चाहिए। तो ये मैंने डाला ऐसे, और फिर इस वाले को हमने ये वाला हिस्सा को इसको इन दोनों के बीच में लिया है, इनको भी इसके बीच में लिया है ऐसे, इसको ले गए ऊपर,
और इसी की एक कॉपी नीचे ला सकते हैं, लेकिन नीचे इस साइड हमको ब्लू एरिया लेना है इस साइड में। तो इस वजह से जो आपको याद होगा मैप में मैंने दिखाया था आपको कि वहाँ एंट्रेंस के पास है, तो ये हमारा एक सेटअप आप देख पाओगे, ये हमने आपके सामने बना दिया ऐसे। फिर इसकी कॉपी हम ले रहे हैं ऐसे करके, आप इसको थोड़ा डिस्टेंस पे आंखों से देख के भी आप कर सकते हो ऐसे ऐसे, और फिर इसको कर दो आप इतना, फिर इतना, ठीक है। और आपने बनाया था 3 3 6 3 9 का सेट, तो 9 9 18 37 9 4 36 यानी 36 36 का सेट तैयार है हमारे पास। अब इस साइड में चार्ट काउंटर और ये सारी चीज़ें आनी हैं, तो उसको भी देखना होगा। यहाँ पे हमारा सेटअप ये है, और यहाँ पे आप मान लो कि हमारा ये चार्ट काउंटर लगा है, पीछे ग्रीन एरिया था उसको हम भूल नहीं सकते, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अपने लिए पीछे की तरफ और आगे की तरफ हमेशा अपना मार्जिन रख के चलना चाहिए इंसान को। पता नहीं वहाँ पे उतना ही जगह ना मिल पाया, तो अगर आप जाके खुद पैमाइश लेके अगर आए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैमाइश नहीं है और तब आप काम कर रहे हो तो फिर दिक्कत है, फिर दिक्कत हो सकती है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो इसलिए चाहिए कि आप प्रॉपर उसका पैमाइश लेके आइए और तब आप कोई चीज प्लान करिए। मैं ओह शिट, अब ये बन गया हमारा यहाँ सेंटर का, ये हमारा बुफे पार्ट हो गया ऐसे। आपको जल्दी जल्दी करके दिखाना था मुझे, तो इसलिए मैंने दिखा दिया है। बाकी इस जगह से हमने एंट्री, ये मेन रोड था यहाँ पर, और यहाँ से आके यहाँ से एंट्री हुई है, तो मेन रोड भी आपको दिखाना चाहिए। जब भी आप कुछ ड्राइंग बनाए तो वहाँ पे इस तरह से रास्ता दिखा दीजिए कनेक्टिंग, इस तरह से उसमें थोड़ा कलर डाल दीजिए जिससे कि देखने वाले को थोड़ा अच्छा सा फील है। अब ये आपको दिख रहा है तो उतना अच्छा लग नहीं रहा ना, रोड जैसी फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन इस पर आप जैसे ही ऐसे क्लिक करके और एक ऐसे लाइन दे देते हैं तो ये एक स्ट्रोक आ गया। फिर यहाँ पे स्ट्रोक वाले में जाके हैं इसको 1 1 या 2 2 रख लीजिए, और स्ट्रोक का कलर भी ज़रूरी है, स्ट्रोक का कलर ये होता है, तो इस पर डबल क्लिक करके और इसको आप ले लीजिए वाइट कलर, ओके कर दीजिए। और यहाँ से आप और चीज़ एक चीज़ बता दूँ मैं, स्ट्रोक के बीच में आपने देखा होगा वो डॉटेड लाइन बना होता है, तो डॉटेड लाइन करने के लिए यहाँ पे स्ट्रोक में डैशेज लाइन ये देख रहे हैं आप, डैशेज लाइन इस पर जैसे क्लिक करेंगे अब आपको ये ना रोड की तरह दिखेगा, रोड एकदम बिल्कुल रोड वाली फीलिंग आ रही है। अब क्या रहता है, ये स्टेज हो गया, ये हमारा राउंड टेबल का सेटअप हो गया, ये हमारा बूफे का हो गया। असल में हम लोग इसको जो होता है, ये टेबल जो होता है 5 फिट बाई कुछ का होता है, इसका साइज होता है 5 बाई 2, तो ये देखिए 6 10 बाई 6 दिखा रहा है, तो यानी कि हमने गलत बना रखा था इसको, हमने इसको हमने सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 3 कर दिया 3 फिर भी चल जाएगा, थोड़ा जूम मार लेंगे तो इजीली काम कर पाऊंगा मैं। 3 ये हो क्यों नहीं रहा इससे छोटा, चलिए अभी के लिए तो छोड़ दे रहे हैं, हम आपको बताना चाह रहा था बस। ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ठीक। ये मैंने हमको, अब इन सब के बाद जब ये कर लेते हैं आप, तो उसके बाद इसका नाम देना भी जरूरी होता है। अब यहाँ से मैंने ये एरो कर दिया, और इस एरो में यहाँ पे तीर का निशान होना चाहिए, तभी आप मतलब उसको एक, जैसे यहाँ पे हम डैशेड लाइन कर रहे हैं तो ये डैशेड लाइन हो जाएगा, लेकिन हमको असल में वहाँ पे तीर का निशान टाइप का चाहिए। सो ऑप्शन में देख लें क्या होता है, ये ऑप्शन देखिए, सो ऑप्शन करते ही यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब इसमें एरो हेड आ गया, एरो हेड में आप ये तीर लगा दीजिए, और इसको जूम करके देख लीजिए कि किस साइड आया तीर, अपोजिट साइड में आया तो इस साइड आप तीर लगा दीजिए, अच्छा सा तीर आपको ले लो एरो। जैसे मान लीजिए कि हम ये वाला लेते हैं साइड तीर आ गया, और इस साइड ले लेते हैं इसका बैक साइड का जो होता है ना ये वाला, और इसको हम आगे करके यहाँ रख देते हैं ऐसे, इस वाले को हम डिलीट कर देते हैं। उसको हम लोग और मोटा भी कर सकते हैं, बहुत बारीक है दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम यहाँ से 0.75 कर
अब आप देख पा रहे हैं कि अब इसमें आपको पता है कि नॉर्थ जो है इस डायरेक्शन में है ना। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेके और यहाँ पे आप नॉर्थ टाइप भी कर दो एन, और ये नॉर्थ का एन ही लिखा हुआ रहेगा, ये एन अपने आप में ही काफ़ी है, ये नॉर्थ नॉर्थ आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लेआउट बनाया करते हैं जब भी, अगर इवेंट में खास करके आपके पास टाइम नहीं होता इतना कि आप ज़्यादा टाइम लेंगे, अगर जैसे आर्किटेक्ट लोग लेते हैं 15 15 दिन 20 20 दिन, तो उतना नहीं, इवेंट में उतना टाइम ही नहीं होता कि आप उतना टाइम तक आप टाइम ले सको। अब यहाँ पे जैसे IMPERIA इम्पीरियल होटल होटल वेन्यू डाला मैंने, है ना, इम्पीरियल होटल वेन्यू डाल दिया मैंने, और इसको ला के यहाँ पे डाल दिया। इस फॉन्ट को भी हम थोड़ा सा और खूबसूरत बना सकते हैं, यहाँ पे टाइप टूल है ये, बाकी पूरा ये इसके अंदर जाके आप इसका फॉन्ट साइज 12 की जगह आप 8 कर दो, और जो मर्जी वो फॉन्ट आप, मुझे टाइम्स न्यू रोमन बहुत ज़्यादा पसंद है, टाइम्स न्यू रोमन, और ये लेके हम यहाँ पे लाके ये रखते हैं, ठीक है। तो इम्पीरियल होटल वेन्यू क्लियर मेंशन है। दूसरा फिर है, ये काम किसके लिए कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उससे क्या होता है, कंपनी को लगता है कि हाँ ये काम उस उसके लिए हुआ है। अब यहाँ पे जाके जैसे ही आप डालोगे HITKAR हितकारी PRODUCTIONS हितकारी प्रोटेक्शन एंड CREATION, ठीक है, हितकारी प्रोडक्शन एंड क्रिएशन। लेकिन अब ये है क्या, क्या चीज का लेआउट है, तो आप यहाँ पे लिख दो आगे में 25th FOUNDATION फाउंडेशन डे CELEBRATION सेलिब्रेशन, ठीक है, 25th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन, ब्रैकेट में कर दो चाहो तो हितकारी प्रोडक्शन एंड क्रिएशन, ऐसे करके, है ना। ये मैंने इसको क्लोज किया, और इसके ऊपर में आपको लिखना पड़ेगा कि ये है क्या, क्या है ये लेआउट प्लान है। तो अब यहाँ पे आके लेआउट को थोड़ा हेडिंग की तरह लिखना है, LAYOUT लेआउट PLAN, और इसमें सजेस्टिव भी आप डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो अगर ये फाइनल है, SUGGESTIV सजेस्टिव, तो सजेस्टिव लेआउट प्लान। और उसके बाद इस फॉन्ट को आप बदल दो, यहाँ से जाके यहाँ पे इटैलिक टाइम्स न्यू रोमन, यहाँ पे इटैलिक की जगह इसको बोल्ड कर दो, और फॉन्ट साइज 8 की जगह ये टाइटल है, टाइटल हमेशा थोड़ा हाईलाइटेड होना चाहिए, 18 कर दो, ये देखो। तो इतना से आपको आपको आइडिया लग गया होगा कि ये कैसा होता है। अब क्या है आपके पास, आर्ट बोर्ड को आप अपने अकॉर्डिंग इसको खींच के एडजस्ट कर लो, जिससे ये आपको देखने में मजेदार सा लगे। जनरली A4 और A3 ये सब पेज तो होता ही है, और हम इसको फिट टू पेज ले लेंगे ऐसे करके, देखिए आपके सामने है। अब क्या होता है इसमें, और क्या ऐड करना होता है, जैसे कि इंडेक्स कंपनी, और इस जगह पे आपका लोगो आ जाएगा, जिस भी कंपनी के लिए आप काम करो उसका यहाँ लोगो लगा दो, और नीचे में आप आ जाओ यहाँ पे, यहाँ आप लिखो इंडेक्स INDEX डबल डॉट, अरे हो क्यों नहीं रहा असल में, या और डिजाइनिंग में ना एक चीज़ का ध्यान रखिए हमेशा, डिजाइनिंग में अगर आप अपना दिमाग लगाते हैं, मतलब अपना दिमाग लगाते हैं, तो आप अच्छा करेंगे, आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्लाइंट आपके सामने आया और वो उसको देखा, तो उसका सेटिस्फेक्शन कराना, ये नहीं कहा जा सकता कि आपने जो डिजाइन बनाया वो खराब है या वो मतलब वो है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपका जो क्लाइंट है वो अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो डिजाइनिंग आपका बेकार है, बेकार बेकार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, और हमें लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बस आपको जैसे दुकान में
कहा जाता है कि ग्राहक जो होता है ईश्वर के समान है, उसी तरह डिजाइनिंग इंडस्ट्री में जो आपका क्लाइंट है वो ईश्वर के समान है। तो उसकी हर बातों को बारीकी से समझिए, वो क्या कहना चाह रहा है उसकी हर चीज़ को, और एक एक छोटी छोटी चीज़ों को बहुत गौर करना है। वो यहाँ जूम मार रहे हैं तो ये सही दिख रहा है, पीछे कर रहे हैं तो छोटा है, प्रिंट आने के बाद भी कैसा दिखेगा। तो ये कंटेंट ज़्यादा लग रहा है, आपको लग रहा है कम है, तो इसकी फॉन्ट साइज को आप रख दीजिए, 10 कर दीजिए, थोड़ा विजुअल हो जाए। देखिए अब आपको दिख पा रहा होगा अंतर, है ना, ये आप। और साथ में अपनी ब्रांडिंग करना मत छोड़िए। अपनी ब्रांडिंग क्यों? क्योंकि आपका किया हुआ काम हमेशा याद किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपने ये काम किया है, तो आपका कैसे पता चलेगा कि ये आपने काम किया है? तो यहाँ पे जब इंडेक्स के नीचे में यहाँ पे आपका नाम लिखा जाएगा और वो सारी डिटेल्स आई आएंगी इंडेक्स को, आप और जैसे लेफ्ट में कर लीजिए। अब यहाँ पे इंडेक्स के बारे में बता देता हूँ मैं मोटा मोटी, वो सब आप लोग जब करना तो उसमें ऐड करते चले जाना। देखिए अभी मैंने माइक वाइक लिया नहीं है, इसलिए हो सकता है मेरी साउंड उतनी अच्छी नहीं आ रही हो, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो चीज़ तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी इसकी तो मुझे मतलब पूरी उम्मीद है। यहाँ पे आप डालिए जैसे ये जो लेआउट प्लान, भाई कौन किसने किया याद रखिए, अनुराग मेरा नाम है और मैं हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर हूँ यहाँ पे। कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। लेआउट प्लान, ठीक है, लेआउट प्लान बाय क्रिएटिव क्रिएटिव अनुराग, इसीलिए कहता हूँ फॉन्ट साइज बड़ा रखना चाहिए, दिखाई नहीं दे रहा था अनिवार्य। ठीक है, लेआउट प्लान बाय, ये देखिए LV कैपिटल हो गया था, लेआउट प्लान बाय क्रिएटिव अनुराग, और ये मैंने क्लिक कर दिया और इसको हमने कर लिया इस साइड, इसको हमने कर लिया ऊपर, इसको छोटा कर दिया। आई क्रिएटिव अनुराग, इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स में जैसे ये स्टेज हमने दिया है तो आप इसको हर चीज़ को जैसे ये चीज़ हमने ले रखा था कॉपी पेस्ट, इसको ले जाइए यहाँ पे स्टेज हो गया, ये स्टेज हमारा हो गया ऐसे। इसको वाइट कलर करना चाहिए हमको, तभी दिखाई देगा स्टेज। यहाँ पे एक सेकेंडरी स्टेज बनना है लेकिन उसको मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, और यहाँ पे आप लिखते चले जाइए जैसे यहाँ पे स्टेज साइज क्या रखा था मैं, याद है 16x24 फिट, ठीक है, उसके राउंड टेबल राउंड टेबल 5 फिट, ठीक है, डाया, उसके बाद चेयर कितने कितने चेयर हैं, कैसे आइडिया लगेगा, हमने 36 लगाए थे, तो कैलकुलेटर ओपन करिए फटाक से, इंटर मारिए, उसमें डालिए 36x4 यानी 144, 200 का देना था 144 है ये, तो यहाँ पे राउंड टेबल चेयर 144 है ना, चेयर्स कर दीजिए यहाँ पे, राउंड टेबल 5 फिट डाया, कितने नंबर है हमारे, 36 नंबर, 36 नंबर, 36 नंबर्स। तो इससे क्या होता है, एक रफ आइडिया क्लाइंट को लग जाता है कि यहाँ पे क्या क्या चीज आना है। और बुफे काउंटर परफेक्ट, परफेक्ट बफेट काउंटर्स हो गया हमारे पास, बफेट काउंटर्स कितने थे, 36, 36 नहीं, 3, 2, 5 इधर है, 5 उधर है, 10 है, लेकिन ये डबल साइज का है तो आप मान के चलो 100 फिट के करीब ये था, 100 एंड 150 फिट, 150 फिट, 150 फिट डाल दो, रनिंग रनिंग, बस ये हो गया हमारा एक मोटा मोटी इंडेक्स, इसको आप यहाँ पे रख दीजिए नीचे। उसके बाद आता है आप यहाँ पे, ये सारा आने के बाद आप ये भी लिख सकते हो इसके बारे में, ये थोड़ा ज़्यादा बुरा लग रहा है, इसको जो है 12 की जगह 10 कर दीजिए,
इंटर, अरे हुआ क्यों नहीं है, चलो नहीं हुआ, नहीं हुआ, इतने भी छोड़ते हैं हम, पास इतना वो नहीं है। उसके बाद क्या आता है, नोट। नोट बहुत मस्त चीज़ है, नोट में लिख दीजिए आप नोट, DIMENSIONS, डायमेंशंस आर, डायमेंशंस आर MM इक्वल टू FT, ठीक है। तो किसी को भी आसानी से क्लियरली मतलब समझ में आ जाएगा कि आप किस उस पे काम किए हो और मतलब कैसा आपका मतलब क्या आपका जो है डायमेंशन का रेशियो रखा गया है इसमें। अब आपके सामने है, अब ये मैं छोटा करके आपको पास दिखाया, ये चीज़ हमारे पास लेआउट बन गई। और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करना रहता है, जैसे आर्टिस्ट के एक आर्टिस्ट स्टेज भी यहाँ लगाना था हमको, और कुछ गैलरी का पार्ट भी लगाना था, और जैसे यहाँ पे हमने दिखाया तो यहाँ पे हम यहाँ पे रेड कारपेट एंट्री भी दिखा सकते हैं ऐसे करके कि ये वेन्यू के अंदर इंटर हो रहे हैं हम यहाँ पे, और इस जगह पे हम एक आर्टिस्ट स्टेज डाल सकते हैं, उसका भी हम साइज और मतलब ये थोड़ा इस तरह का होगा। और इसके अलावे एक सेल्फी पॉइंट हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं, ये इस जगह पे सेल्फी पॉइंट भी बन गया, और इन सब को यहाँ मेंशन कर देना होगा इस जगह पे, और ये फिर कंप्लीट हो गया। ये इस तरह का एक बेसिक लेआउट आप बनाना सीख गए हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। ये वेक्टर सॉफ्टवेयर होता है, वेक्टर और रास्टर का भी हम फिर डिटेल में बात कर लेंगे क्या होता है। बस इसके बाद सबसे ज़रूरी है कि आप फाइल को सेव जरूर करें, लेकिन मैंने अभी तक फाइल सेव नहीं किया। उसके बाद जब ऐसा हो जाता है ना, तो इसके बाद आपको इस फाइल को यहाँ से इंटरव्यू होना है इस होटल के अंदर, तो वो भी हमको करना था, तो वो चीज़ भी रह गया था यहाँ पे। ये होटल के अंदर आने का ये रास्ता है, तो ये भी होटल के अंदर अलग। इसमें क्या है कि जो भी कलर का आप लास्ट सेलेक्टेड यहाँ पे रहता है ना, वो कलर ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्ट हो जाता है। तो आप यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेके और जो कलर इसमें भरना चाहते हो आप ऐसे करके भर सकते हैं। अब ये कौन सी जगह, इम्पीरियल वम्पीरियल हमने सब चीज़ लिख दिया है यहाँ पे, ये चीज़ हो गया। अब इसको बस फाइल में जाइए और इसको सेव कीजिए, सेव करना बहुत मस्ट है। सेव में कर लीजिए यहाँ पे 25th फाउंडेशन डे, ठीक है, क्लियरली मेंशन कर दिया 25th फाउंडेशन डे हितकारी, और इसको मैंने सेव कर दिया, बंद हो गया। फिर यहाँ पे ये इलस्ट्रेटर 2020 ऐसे करके लिखा हुआ रहा, और ओके ये सब जो कुछ भी करना है ओके कर दीजिए आप, बस डन हो गया। बस क्लिक करके ही ये बन गया। अब इससे क्या हुआ, आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल चुका है कि ग्राउंड का साइज कैसे लेते हैं, उसको निकालते कैसे हैं, इसलिए आपको हर चीज़ का टेबल का स्टेज का ये सब का साइज आपको पहले से प्रिपेयर करके आपको रखना चाहिए, रेफरेंस इमेज पहले से निकाल के रख लेना चाहिए, इससे आपको आसानी होती है। चलिए अब इसको हम यहाँ से बंद करते हैं। चलिए स्टेज आपको पूरा प्लान आपके दिमाग में है, अब आते हैं ये वाला हिस्सा पे। काफ़ी लंबी रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से हो चुकी है, तो अभी के लिए इतना ही पे रुक जाऊँ, या एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं स्केचअप ओपन करता हूँ, मैं अपना ये स्केचअप है, और स्केचअप के अंदर मैंने जो बना रखा है सेम लेआउट को, उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको मैंने कैसे बनाया है, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये मैंने सेल्फी पॉइंट बनाया था, ये मैं आपको सेल्फी पॉइंट पहले दिखा देता हूँ, जो शुरू में आपको दिखाया मैंने रेफरेंस, जो भी ओपन हो रहा थोड़ा सा टाइम लेता ही है, 3D सॉफ्टवेयर्स हैं। तो अब यहाँ आपको मैं पहले सेल्फी पॉइंट दिखा देता हूँ, ये हमारा हमारा स्टेज था एक, ओपन हो गया क्या, हो गया, ये है सेल्फ पॉइंट का हमारा खुल चुका है। अभी थोड़ी देर में आगे देखिए, ये आप देख पा रहे हैं ये सेल्फ पॉइंट मैंने बनाया है सिंपल सा एक प्लेन लेके, ये 8x8 फिट का है, 8x8 फिट। इसके बारे में हम पूरा ट्यूटोरियल लाएंगे धीरे धीरे, इसकी एक एक सारे टूल्स के बारे में, इसमें साइज और ये कैसे लेआउट बनाते हैं ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वाला 8x8 फिट का होता है, और इससे आप ब्रेका भी बना सकते हो। आप यहाँ पे अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम ऐसे करके जाएँ तो ये देखिए 8.32 आ रहा है, ये मैंने खींच के वो किया हुआ, इस वजह से ऐसा आ रहा है। तो एक्यूरेट ये 8x8 का बन जाएगा फ्रेम में लगने के बाद।
और ये छोटे छोटे ये बॉक्स टाइप का और ये चीज़ ऐसे बना के मैंने ये बनाया है, आप देख पा रहे हो, है ना। तो इसको बंद करते हैं। अब मैं चलाता हूँ, उस फाइल को खोलता हूँ जिसमें मैंने इन सबको छोटे छोटे अलग अलग एलिमेंट हम बना लेते हैं पहले, फिर सबको कंबाइन करते हैं। जैसे ये स्टेज का है तो आप स्टेज भी देख लो। अब ये स्टेज है, इसका पूरा साइज हमने निकाला था, आपको याद होगा 24 फिट का वो स्टेज था, ये 6 फिट का है, और ये हमारा पीछे का मास्किंग होता है, और ये 8x14 का ये फ्रेम है, इस पे हितकारी इवेंट लिखा है, 25th सिल्वर जुबली भी है, 8 फिट का ये डाया है, 6 फिट का ये डाया है, और साथ में पैनल्स भी लिया है ऐसे करके, जो कि अभी टेक्सचर नहीं किया हुआ है, ये बस आपको मॉडल है, ये बहुत फास्ट जल्दी में, जैसे कि 20 तो आज 18th हो गया और 2 दिन के बाद इवेंट है, तो इतना टाइम है नहीं कि आप इस पे इतना वर्क कर सको, तो जल्दी जल्दी जैसा मैंने आपको बताया था। तो मेन था आपके पास ग्राउंड, तीसरा था आपके पास सारी डिजाइन की हुई, आपको क्या क्या करना है क्लाइंट के लिए। तो अब हम चलते हैं आपको मेन वो वेन्यू दिखाने जो मैंने इसको इसके लिए बनाया। अब ये है हमारा इम्पीरियल होटल का वेन्यू, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, और यही मेरा काम है, और इसी तरह से मैं काम करता हूँ। मेरे पास उतना टाइम हो नहीं पाता कि मैं आके एक एक चीज़ को लाके यहाँ पे सामने बताऊँ और बनाऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरा सपोर्ट करें और मुझे मोटिवेट करें कि मैं आगे आने वाले टाइम में आपको ये सारा चीज़। आप जो है ये मेरे करीब लास्ट 15 ईयर से लेके 17 ईयर तक का आसपास का टाइम मुझे लगा है इन सबको सीखने में करने में, जिसकी वजह से मैं एक दिन के अंदर इस तरह का काम कर पाता हूँ, और ये सारी आप देख पा रहे हैं, ये पूरी की पूरी आप देख पा रहे हैं ना, ये सारा ये वो इम्पीरियल होटल का ही बाहर वाला रास्ता हो गया, और जैसा कि मैंने लेआउट में समझाया, और ये यहाँ से आके यहाँ से अंदर जाने का ये पाथवे हो गया, यहाँ से अंदर जाएंगे ये ग्रीन एरिया हो गया, ये हमारा होटल का वॉल हो गया। आप होटल का वॉल आप यहाँ देखिए, इसकी मैंने मॉडल, इसको मॉडल नहीं किया मैंने, सिर्फ वो रेफरेंस इमेज, क्योंकि वो इतना टाइम नहीं है कि इतना डिटेल में मैं मॉडल करूँ, मॉडल करने जाऊँ तो इसके लिए महीनों का टाइम चाहिए, ऐसे करके ये देखिए मॉडलिंग मैंने करना शुरू भी किया था, लेकिन इतना टाइम था नहीं मेरे पास इस इवेंट प्रोजेक्ट के लिए कि मैं इतना टाइम दे पाता। तो फिर भी मैं धीरे धीरे मॉडलिंग पे भी सब चीज़ आऊँगा, और ये यहाँ रेफरेंस इमेज के रूप में यूज़ किया मैंने, ये कपड़े का टेक्सचर है, ये क्लाइंट की तरफ से ही अप्रूव्ड है, और ये जो है आप देखिए राउंड टेबल और चेयर का ये टोटल लेंथ, जैसे मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था ये वही चीज़ है, और यहाँ हमारा ये सेल्फी पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, ये सब चीज़ आपको दिखा पा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये जब ये हम रेंडर, ये सिर्फ मॉडल करने का सॉफ्टवेयर है, रेंडर करने के लिए इसको एक अलग सॉफ्टवेयर में ले जाना पड़ता है, वो 2-3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो D5 रेंडर है जिसमें आप रेंडर कर सकते हो, बहुत लेटेस्ट है वो, लेकिन उसके लिए हाई एंड कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, मेरी कंप्यूटर उतना हाई एंड नहीं है, ये फिर भी इससे मैं बहुत हद तक काम कर लेता हूँ। ये वो स्टेज है जिसको मैंने डिटेल में बनाना था मुझे इस वे में, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होने की वजह से मैं इस पे काम नहीं कर पाया, और ये वाला स्टेज ही मैंने अभी करके तत्काल में दे दिया है, और बनेगा तो वो पीछे वाला ही स्टेज जो मैंने आपको दिखाया, और ये मैंने बनाया है, ये 25th फाउंडेशन डे, और यहाँ सिल्वर जुबली, और इस पे आ जाएगा कंपनी का लोगो। ये जो है साथ वाला जो एक है ये हमारा आर्टिस्ट का स्टेज है जो मैंने आपको बताया था, साथ में एक आर्टिस्ट स्टेज होगा, और इस वाले इवेंट के अंदर काफ़ी बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोग जैसे जज साहब और बड़े बड़े IPS IAS ऑफिसर लोग आएंगे, तो मतलब उनके हिसाब से ये प्लान करना थोड़ा खुला खुला रखना और उतना सब कुछ ज़रूरी था, तो ये एक वेन्यू मेरा तैयार है। अब इसमें जैसे यहाँ पे मैंने सीन सेट कर रखा था, जब इस सीन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कैमरा ऑटोमेटिक मेरा वो सीन पे जाके ले जाके खड़े कर रहे खींच रहा था। तो ये थी मेरी एंट्रेंस पॉइंट, ये है मेरा इंस्केप का दूसरा वाला व्यू पोर्ट, अभी दिखाएगा ये थोड़ी देर में ले आएगा, ये देखिए यहाँ से आपको ये वाला हिस्सा ये दिख रहा है पूरा, और तीसरा है ये वाला हिस्सा टॉप व्यू, आसमान से आप देख पा रहे हो, जिससे कि क्लाइंट को पूरा आइडिया लग जाए कि वो क्या देखना चाह रहा है। इसके बाद हम आपको इंस्केप स्टार्ट करें, ये है हमारा इंस्केप, इसको स्टार्ट करके और इसमें मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर जाके आप क्या क्या कर सकते हो। इंस्केप जो है अलग से एक आपका रेंडर इंजिन कह लो, या मतलब रेंडरिंग का सॉफ्टवेयर हो गया, और ये जो है आपको परचेज करना पड़ता है, और भी उपाय हैं इनको यूज करने का, लेकिन वो गलत तरीके हैं,
आप इसको ट्रायल के रूप में आप उनके साइट से डाउनलोड करके 15 दिन के ट्रायल के रूप में आप यूज कर पाएंगे, और ये सब काफ़ी काम को आसान कर देता है। जबकि आप क्लाइंट को तो आप सिर्फ इतना दिखा के भी अपना पूरा वो समझा पाएंगे कि कैसे क्या और किस तरह से होगा आपका। लेकिन ये है कि जितना बेहतर और जितने अच्छे से आप उसको प्रस्तुत करोगे उतना बेहतर रिजल्ट आएगा, उतना उससे अच्छा चार्ज कर पाओगे आप। तो ये सब है, जब तक वो ओपन हो रहा है मैंने आपको ये पूरा वेन्यू आपको दिखाया ही था कि ये वाली वेन्यू है और ये वाली सारी चीज़ें डिटेल में वर्क करना। अभी के टाइम में जब मैं गया था तो ये वाली जगह वहाँ नहीं थी, और ये सीन अभी ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर हम आपको दिखा पाएंगे। इसको भी बंद कर देता है मैं आपको, ये बंद कर दिया मैंने। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको गूगल अर्थ के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं गूगल अर्थ क्या है तो उसको जानने के लिए, और उसको कैसे यूज करेंगे नेक्स्ट टाइम, जिससे कि हम पुराने टाइम में जाके और किसी वेन्यू के बारे में पता लगा सके कि वहाँ पे क्या क्या था क्या नहीं था। अब ये देखिए, ये मेरे पास ये जो है इनस्केप का व्यू खुल चुका है, और ये हम वहाँ पे आपको याद होगा कि स्केचअप में हम लोग ये टॉप वाली व्यू देख रहे थे, तो इसलिए ये वाला व्यू यहाँ पे सामने आया। और इसमें मैं शॉर्टकट आपको बता दूँ, ये टेबल टॉप के ऊपर उतर गया। यहाँ पे जब आप 5 प्रेस करोगे तो ये टॉप व्यू दिखाएगा, और आप अगर 4 प्रेस करोगे तो ये पीछे वाला हिस्सा आप देख पा रहे हो, ये जो ग्रे कलर का है ये देख रहे हैं, ये ग्राउंड है। इसको आप पूरा कवर अगर पूरा डिजाइन करते चले जाएंगे तो ये पूरा एरिया आपका हो जाएगा, और एक एक चीज जोड़ते जाइए और आप पूरा का पूरा, अब आप ये आप देख पा रहे हैं कि कैसा ये दिख रहा है आपको। ये मैंने पूरा, इसको बोला जाता है 3D लेआउट प्लान, और ये 3D लेआउट प्लान आपके प्यारे डिजाइनर अनुराग ने बहुत मेहनत करके बनाया है आप लोग को समझाने के लिए। और ये इस तरह की आप अगर आप सोचते हो बनाते हो तो आप उम्मीद करो कि ये अगर कोई क्लाइंट देखेगा तो वो आपसे कितना इम्प्रेस होगा, और उसको मतलब पूरा इवेंट में क्या करना है नहीं करना है वो उसको पहले ही पूरा का पूरा आइडिया हो जाएगा। आप देखो मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बनाया है और कोशिश करी है कि आप लोग इसको देख पाएँ। और ये हमारा वो स्टेज है जिसकी मैं बात कर रहा था। आप अगर शिफ्ट बटन दबा के माउस का राइट क्लिक बटन दबाइएगा तो इसका डे का टाइमिंग और ये सब चीज़ भी बदल सकता है, और आप उसको अलग अलग टाइम पे अलग अलग मतलब अलग अलग रूप में आप देख पाएंगे नाइट व्यू। ये जो स्क्रीन साइड में आप देख रहे हो ये LED स्क्रीन है, इसके ऊपर मान लीजिए कोई अगर इस स्टेज के ऊपर फंक्शन से रिलेटेड कुछ भी अनाउंसमेंट और वो सब हो रहा हो तो उसको इस पे स्क्रीन पे देखा जा सकता है, और इस साउंड सिस्टम से उसकी आवाज़ हम लोग कवर कर सकते हैं। और ये आप देख पा रहे हो ये पीछे से आने वाला रास्ता है इम्पीरियल का, अभी भी आप गूगल मैप ओपन कर लेना और देख लेना। तो इतना डिटेल में मैं काम करता हूँ मैं, और आप मानोगे नहीं कि ये पूरे का पूरा वर्क मैंने सिर्फ एक दिन में दिया है। ये जो है कुछ एलिमेंट्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो, लेकिन अगर आप खुद से बना के यूज करते हैं तो उसकी बात ही अलग है। ये हमारा स्टेज है 25 बाई, जो मैंने आपको बताया 25 बाई 16 का, इस पे स्टेयर्स लगे हुए हैं। ये हमारा इसकी हाइट मैंने यहाँ पे जो है सिर्फ 3 फीट रखा है, जबकि मेन ड्राइंग में ये 8 फीट होगा, वो 8 फीट नहीं सॉरी 6 फीट होगा। क्योंकि आप इमेजिन करो कि आप जब यहाँ मंच पे हो और वहाँ लास्ट में कोई एकदम एंड में कोई आदमी बैठा है, तो वो आदमी इस जगह होता हुआ फंक्शन को नहीं देख पाएगा। इसकी वजह से इस जगह पे हम लोग स्टेज की हाइट को ऊंचा रखते हैं। अब आप इसको देखो, मैंने इसका कंडीशन चेंज कर रहा हूँ जिससे थोड़ा सा अच्छा सा दिखे। आप इसको ऊपर से ऐसे करके देखो, और आप ये देखो ये पूरा का पूरा प्लान हमने बनाया है, और आप ऐसे ऐसे करके एक अच्छे से इमेज ले सकते हो हल्का सा पेड़ पौधों के बीच से जाके, या फिर कुछ ऐसे करके इस तरह से कुछ अच्छे रेंडर शॉट आप निकाल के अपने क्लाइंट को भेजो, और पूरा 3D प्लान का आनंद उठाएगा वो इंसान। और अगर आपको चाहिए कि ऐसे ऐसे वीडियो में आने वाले टाइम में बना के और आपको दिखाऊं, और मैं मानता हूँ कि अगर आप मेरे साथ 6 महीने अगर जुड़ते हैं तो आप खुद, 6 महीने तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया,
एक से दो महीने के अंदर मैं आपको इस तरह के डिजाइन बनाने के लिए पारंगत कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं उसको, आपकी मेहनत ही उसको उस तरह का रिजल्ट लाने में काम देगा। ये मैं आपको दिखाना भूल गया, यहाँ पे हमारा ये सेल्फी पॉइंट भी है, वो जो मैंने आपको सेल्फी पॉइंट दिखाया था, याद होगा शुरू में आपको बनानी, ये है हमारा सेल्फी पॉइंट। अब आप इस सेल्फी पॉइंट को देखो, ये कारी का हमारा खूबसूरत सा सेल्फी पॉइंट है। हाँ, थोड़ी जल्दीबाजी में बनाने की वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में वर्क नहीं कर पाया, नहीं तो इस पे लाइट रहता और खूबसूरत लगता। नाइट शॉट भी करके मैं आपको वो आने वाले टाइम में दिखाऊंगा, अभी के लिए तत्काल आप ये देख लीजिए। इतना शायद उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा, और क्षमा चाहता हूँ, मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा गला भी ख़राब था, और उसके बाद मैंने ट्राई किया इसको बनाने का, और आप ये व्यू यहाँ से आप देख पा रहे हैं गाइस, कैसा दिख रहा है आपको। तो कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आपको मेरा ये मेहनत किया हुआ, और पूरा डिटेल में मैं आपको और भी चीज़ें लाऊंगा। फिर शुक्रिया आपका, आप सभी का, और लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे थोड़ा सा हेल्प कीजिए इस मामले में, जिससे कि मैं थोड़ा और बेहतर काम करूं आप लोगों के लिए। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको पूरी मॉडलिंग की टेक्निक बताऊंगा कि कैसे आप मॉडल करते हैं, कैसे सब कुछ करेंगे, और सारा आप मतलब एक अच्छा डिजाइनर बनने के लिए। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना है, ये तो इंकस्केप है, स्केचअप है, इसके अलावा और सा कौन सा सॉफ्टवेयर, जैसे फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, और भी कुछ में अगर जानकारी चाहिए होगी तो बताइएगा। ये मैंने आपको दिखाया आपको पूरा का पूरा। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट। रात के 2:46 हो रहे हैं और बहुत टाइम हो गया, इस टाइम में जाके थोड़ी सी शांति मिलती है कुछ काम करने के लिए। तो चलिए, बाय बाय। दुनिया का अनुराग है यहाँ का स्टार, डिजाइनर के लिए सबसे बड़ा शोकेस बाजार, लोगों को अपनी सजावट पे फेरा कर दे, ग्राफिक डिजाइन करके हमें खुशहाल कर दे। मुजफ्फरपुर से उठाए ये हिप हॉप धमाका।